नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर स्थित सिविल लाइन डीएवी कॉलेज में चित्रकला विभाग के प्रथम वर्ष के कलाकारों की सामूहिक प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रचार प्रोफेसर अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में लगभग 19 कलाकारों ने जीवन के विभिन्न पक्षों को कैनवास पर उतारा। सामान्य जनजीवन में आम लोगों के विभिन्न क्रियाकलापों को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। वहीं इसमें वर्षा, दीपा चौधरी, रागनी, प्रियंका, तनिषा, अर्चना, रश्मि, राजीव, मोहिनी, वैष्णवी, पिंकी, अंकिता, मधुर, संजय, संदीप, प्राची, राहुल ने चित्र के माध्यम से मनोभाव को दर्शाया। वहीं कलाकारों ने हाशिए पर जीवन यापन कर रहे बालक के मनोभाव को बेहद संजीव की दशा या कहीं आश्रय की उम्मीद में बालक तो कहीं घर गृहस्थी में उलझी महिला का विषय बनाया गया और पेंटिंग के माध्यम से उसमें दिखाया गया। जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित श्रीवास्तव पूर्णिमा ने बताया कि विभाग में निरंतर गतिविधियां होती रहती है जिससे रचनात्मक का संचार होता है। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, प्रियंका जी, ये पेंटिंग आप ही ने बनाया है? ये पेंटिंग का क्या उद्देश्य, क्या दिखाना चाह रही है? जी जी जी, तीन वर्ग के परिवार थे, उनमें से जो सबसे लोअर परिवार था, एक गरीब, उसमें ज़्यादा असर पड़ा। उस गरीब में एक बच्चा कैसे भूखा प्यासा अकेला अपना महसूस कर रहा है, जो बाहर नहीं जा सकता है, वो चीज़ मैंने दिखाया है कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या अनुभव ने देखा है, क्या क्या सहाय मजदूरों के परिवारों ने, किस तरीके से मजदूर यहाँ से बाहर आए, उनके परिवारों ने, उनके बच्चों ने कैसे तकलीफें सही हैं, ये चीज़ें जो हमने लॉकडाउन के दौरान ही काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? रागनी। रागनी जी, ये पेंटिंग आप ही द्वारा बनाई गई है? ये पेंटिंग पेंटिंग माध्यम से क्या दर्शाना चाहती हैं आप, ये क्या दर्शा रहे हैं? अक्सर होता है कि गांव में एक जो पिता होता है वही सब कुछ करता है गांव के शहर में, लेकिन एक अक्सर गांव में ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अकेले अपने दम पे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। इसी तरीके से ये वृद्ध होके भी फिर भी अपनी इस मासूम बच्चे की मासूमियत देख रही है और परवरिश कर रही है। मैम, क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर कुमार कौन, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। मैं यहाँ पे। मैम, जो ये प्रदर्शनी लगी इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारे यहाँ पर स्नातक प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका एक पेपर होता है कॉम्पोजिशन, सैड पेपर आइडिया, उस क्लास में बच्चों ने जो क्लासरूम में यहाँ पे काम किया है, जो मंच करना होता है वो पेंटिंग है ये, तो उनको एक मंच देने की एक कोशिश की कि बच्चे जितनी मेहनत से पेंटिंग करते हैं उनको एक एक्सपोजर, वो पेंटिंग लोगों तक पहुँचाई जाए। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास अब एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी गैलरी है और ये काफ़ी सबसे बड़ी गैलरी है, तो ये बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ डिस्प्ले होने से आप देख रहे हैं कि लोगों ने पेंटिंग्स को किस कदर सराहा है, ये बच्चों का उत्साह बढ़ाता है कि वो आगे और अच्छा करें। मैम, और भी बच्चे हैं जिनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं होती है लेकिन वो अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाते, कुछ पेरेंट्स का भी दबाव होता है, उन बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, कला ऐसी चीज़ है वो किसी भी जगह रहेगी तो छुपेगी, किसी न किसी को बाहर जरूर आए, हो सकता है वो कैनवास पे आ रहे हो, सकता है कागज पे आ जाए, हो सकता है किसी सिंपल से कागज जिसके लिए कोई और होगी, लेकिन अगर एक पेंसिल दे दीजिए उस बच्चे को पकड़ा दीजिए जिसके अंदर स्किल होगी, अच्छी उस कागज की उसकी कीमत को बढ़ा सकता है। तो काम और कला, तो अगर परिस्थितियाँ हमारे बीच में जो बच्चे हैं ये मोस्टली डिप्रॉयड फैमिली से हैं जहाँ पे विपरीत ही परिस्थितियाँ होती हैं, तो काम उस तरह से करना है। इसलिए ये कहना कि कला दब जाती है ऐसा नहीं, जिसके अंदर हमें निखर के आते हैं।